कुछ पाने की हो आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर योगिनी, पेरेंटिंग कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर. मैं आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ. अभी तक 1,00,000 से भी ज्यादा पेरेंट्स हैं जिन्होंने हमारा हैप्पी पेरेंटिंग वर्कशॉप अटेंड किया. इसी वर्कशॉप में से एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. ये स्टोरी है 1-7 साल के बच्चे की. इसको अभी अपने वैकेशन स्टार्ट हुए हैं. 2-3 दिन से ये बच्चा अपने टॉयज, मोबाइल और टेलीविजन के साथ बिजी रहता है, बट कहाँ ना कहाँ ये फैमिली टाइम मिस कर रहा था. एक दिन ब्रेकफास्ट पे ये अपने पापा को बोलता है, पापा प्लीज़ मुझे आपके साथ कहाँ टाइम लगाना है, हम कहाँ बाहर जाते हैं ना, मेरे बहुत सारे फ्रेंड वैकेशन में फैमिली के साथ बाहर जाने वाले थे, हम भी कहाँ जाने का प्लान करते हैं. बट पापा बोलते हैं, बेटा मेरे पास बहुत काम है, मैं आपके साथ टाइम नहीं लगा पाऊँगा. दूसरे दिन बच्चा फिर से मनाने की कोशिश करता है. बच्चा बोलता है, पापा हम सिर्फ एक दिन जाएंगे, बट आप मेरे साथ चलो, हम कहाँ घूमने जाएंगे. बट पापा के पास सेम आंसर था कि बेटा मेरे पास काम का बहुत लोड है, आप आपके मम्मा के साथ टाइम लगाओ. ये बेटा अपने मम्मा के साथ बातों की शेयरिंग शुरू करता है. वहाँ पे पता चलता है कि बातों में सिर्फ पापा पापा और पापा, यही टॉपिक इन दोनों का चलता है. वो पूछता है कि पापा को सैलरी कितनी है, पापा क्यों ऑफिस जाते हैं, एक दिन में कितना कमाते हैं, उससे हमें क्या होता है. मम्मा इसी सभी क्वेश्चन के बहुत अच्छे से आंसर उसको देती है, बट वो सेटिस्फाइड नहीं होता. रूम में जाके ये अकेला बैठा हुआ रहता है. तीसरे दिन ये फिर से पापा को एक डिमांड करता है कि पापा प्लीज़ आप मुझे 100 रुपीज़ को भी दे दीजिए. पापा पूछते हैं, बेटा क्यों, 7 साल के बच्चे को 100 रुपीज़ क्यों चाहिए. इस बात को लेके पापा जब उसको पूछते हैं तो उसके पास कोई आंसर नहीं है. फिर वो फिर से जिद करता है. पापा थोड़ा गुस्से में आके बोलता है कि नहीं, मैं आपको 100 रुपीज़ नहीं दूंगा जब तक आप नहीं बताओगे. और ऐसा ही गुस्सा करके पापा ऑफिस चले जाता है. बच्चा नर्वस होके अपने रूम में जाके सो जाता है. वो खाना नहीं खाता है, खेलता नहीं है. जैसे ही पापा ऑफिस से वापस आता है और मम्मा से बात करता है तो इनको ये सब पता चलता है कि उसने खाना नहीं खाया, रूम के बाहर नहीं आया है और किसी से बात भी नहीं कर रहा है. पापा पहले उसके रूम में जाते हैं, उसको पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ. जैसे ही पापा को देखता है बोलता है, पापा प्लीज़ मुझे आप 100 रुपीज़ दे दीजिए. पापा को लगता है पूरा दिन चला गया तो भी ये बात उसके दिमाग में है. पापा पहले उसको 100 रुपीज़ दे देते हैं. जैसे ही पापा 100 रुपीज़ उसको देते हैं और पूछते हैं कि बेटा अब तो बताओ कि आपको क्या हुआ, उसके पहले वो उसके पीलों के नीचे रखे हुए कुछ पैसों के साथ ये 100 रुपये जोड़ देता है और पापा के हाथ में रखता है और पापा को बोलता है, पापा ये रहे 1,000 रुपये. मम्मा को जब मैंने पूछा था तब मम्मा ने बोला था कि एक दिन का आपको 1,000 रुपये मिलता है. पापा आप अभी तो मेरे साथ एक दिन लगाओ. ऐसे बहुत बार ऐसे कुछ सिचुएशन हमारे भी बच्चों के साथ होती होगी. ऐसे ही ना हो बट इनकी फीलिंग ज़रूर ऐसी होगी जहाँ वो अपने वर्किंग मम्मा या पापा को मिस करते होंगे. इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि आप वर्किंग पेरेंट्स भी हो तो भी आप आपके बच्चों के साथ 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, इतना टाइम तो भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करें. उनके लिए वो टाइम दें, गार्डन में जाए, गेम खेलें विदाउट एनी टेक्नोलॉजी, टीवी और मोबाइल के अलावा. आप इनके साथ क्वालिटी टाइम दोगे तो वो बच्चों के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है. उनको कोई टॉयज़ या कोई महंगे गिफ्ट्स नहीं चाहिए, दे वॉन्ट क्वालिटी टाइम. जैसे ही आप ये मेरा वीडियो देखोगे और आप एक 21 दिन की प्रैक्टिस शुरू कर देना जहाँ आप डेली अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम लगाइए, और ये वीडियो के नीचे आपको जो एक्सपीरियंस आ रहा है प्लीज़ वो एज अ कमेंट शेयर करिए. आपका एक कमेंट बहुत सारे पेरेंट्स को इंस्पिरेशन हो सकता है और वो भी अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम लगाएंगे. मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी पेरेंट्स को हैप्पी पेरेंटिंग विश करती हूँ और आप अपने बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताएं जिसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा. थैंक यू.